सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, की खबर? आशा करता आप लोग सब बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहना ठीक मेरी तरह। और आज की एक नई फ्रेश वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूँ। आप लोग को पता होगा कि मैं घर पहुँच गया था। इसका आगे वीडियो जिस जो जो ने देखा है सो उसको तो मालूम होगा मैं घर पहुँच चुका हूँ। सो घर पहुँच के फिर दो एक दिन बहुत ज़्यादा हम रेस्ट लिया, लीली के साथ बहुत ज़्यादा खेला। सो अभी रेडी हो रहा हूँ थोड़ा सा बाहर जाने के लिए। इधर मम्मी मेरा बैठ के कुछ कर रहे हैं। ये मेरा हेलमेट का सेटअप, सोच रहा है कुछ मोटो ब्लॉगिंग करके देखा जाए। आज तक तो मोटो ब्लॉगिंग किया नहीं, बट देखता हूँ कैसा होता है। लगता है तो मोटो ब्लॉगिंग तो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि बहुत भकर 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 बोलते रहना पड़ता है मुँह से। तो देखता हूँ कैसा होता है क्या नहीं होता है। अगर अच्छा लगेगा तो कॉमेंट कीजिएगा। और ये मेरा बोजेंटी से मैं राइड करने वाला हूँ। आदमी का पास जो ही चीज है ना उसे स्टार्ट करना चाहिए। लीली आजा, लीली आजा। हाँ, खाली चाटने जानता है, हैं? आजा। सो बने रहिए वीडियो में। ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग होने वाला है, माय फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग वीडियो। सो अभी टाइम हो रहा है 12:30। सो अभी निकल के जाता हूँ, जाते जाते मुझे देखता हूँ क्या क्या होता है। आगे वीडियो में बने रहिए। गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, मेरा फास्ट मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और आप लोग को बोला था ना मैं घर आने से तगड़ा तगड़ा कंटेंट देने वाला हूँ। ये देखो टेंट ला के रखा है, मतलब बहुत ही तगड़ा कंटेंट होने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल जो कोई सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आए फर्स्ट आपको नोटिफिकेशन जाए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये जब आप वीडियो देखोगे ना आप बोलोगे क्या ही कर दिया, इतना तगड़ा एडवेंचर होने वाला है। उमा भात बैठो से नहीं बैठो हूँ काम। एक्चुअली ना मैं सुबह से उठ के सब में ही ये सब कुछ कुछ सेटिंग करने में, हेलमेट मोटो ब्लॉगिंग का वो सब सेटिंग करने में मैं लगा हुआ था। सो खाना ही नहीं खाया था। सो खाना खा लेता हूँ पहले, उसका बाद जाता है। सो खाना पीना पार्ट डन। और इधर टेंट को ना हम ऐसे लगा के देखा रहा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा था ना ढीला हो गया था, सब फिटिंग करने के लिए थोड़ा सा सेट करके देखा था। इतना ज़्यादा गर्मी है ना फिर टी शर्ट खोल लिया, खाना खाते खाते पूरा इधर से पसीना इधर इधर आ रहा था। क्योंकि आसाम में भी ना बहुत जल्द इतना टाइम में ऐसा गर्मी नहीं पड़ता है, मतलब दूसरा दिन। इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है आसाम में भी। और मेरा बसंती भी पूरा धूप में खड़ा है, अभी थोड़ा छांव में लगाना पड़ेगा, उसके बाद उधर में बैठ सकेगा। लीली क्या कर रहा है? रुखा थोड़ा तगड़ा कंटेंट बना के आता है। तो चलिए अभी डायरेक्ट मिलता है आप लोग को मोटो ब्लॉगिंग में। सो गाइस चलो अभी करता है मोटो ब्लॉगिंग, कैसा आता है क्या आता है वो तो नहीं मालूम, जस ये फर्स्ट मेरा मोटो ब्लॉगिंग। हेलो मीनू 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 पूरा नींद भरपूर नींद में है। सो चलो अभी तो जस घर से निकला हूँ। सो आप लोग देख सकते हो हम लोग का ये गांव का रास्ता कुछ इस तरीके का, मतलब ये ऐसा बाइक नहीं होने से बाकी सुपर बाइक इधर में काम नहीं है, पूरा कचरा कचरा रास्ता। ये हो गया हम लोग का मेन चौक और इधर जाता है बहुत सारा रास्ता। आस्ते आस्ते आप लोग को बताते रहेगा बोलते रहेगा कहाँ क्या जाता है कौन सा जगह क्या है। एक तो बात मानना पड़ेगा आजकल सब सिटी में धूल पॉल्यूशन बस ऐसे भी, इधर देख सकते हो आप लोग कितना खाली इलाका है, कितना अच्छा मौसम है। बोलने से तो इंडिया में अभी बाकी सब जगह से आसाम में तो बहुत शांति है, बहुत ठंडा ही है बोलने से। बाकी अभी तो मैं जा रहा हूँ पहले एक दोस्त का दुकान में थोड़ा सा रुकेगा चिल बुल मारेगा, उसके बाद मुझे जीजा जी का घर जाना है, क्योंकि जिस दिन आया था मैं वही पापा का साथ आया था आप लोग देखा ही था। सो मैं मेरा भागिन को इतना अच्छे से मैं टाइम नहीं दे सका, मुनमुन को। सो उसको मिलने के लिए उसको कुछ ऐसे चॉकलेट वॉकलेट कुछ लेके जाके
थोड़ा सा दीदी का घर से हम जाके आएगा, वो जगह पे मेरा कॉलेज था, थोड़ा उधर जाके ये इलाका पार करके उस पार में मेरा कॉलेज था। फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग मेरा ये, सो कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग आप लोग बोलिएगा कमेंट करके। इसका माइक का साउंड भी कैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसका पोजीशन कैसा हो रहा है मुझे बाद में क्लिप चेक करने से मालूम चलेगा। सो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऐसे एक्चुअली मोटो ब्लॉगिंग करना ना बहुत हार्ड है, क्योंकि ऐसे बोलते रहना पड़ता है ना, कुछ 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 एनी टाइम बोलते रहना पड़ता है। सो मोटो ब्लॉगिंग इस बात से थोड़ा सा हार्ड लगता है, ऐसे नॉर्मल ब्लॉगिंग तो इतना हार्ड नहीं है, और मोटो ब्लॉगिंग में खर्चा भी ज़्यादा है, बहुत कुछ होता है, मतलब इतना आसान नहीं है मोटो ब्लॉगिंग करना भी। सो अभी आ गया ये मेन रोड, मतलब हम लोग का जो नारकुटिया टाउन में कनेक्ट करता है यही एक मेन रोड है। तो मैं पहुंच ही गया ये दोस्त का दुकान में, इधर ही रुकेगा थोड़ा देर, थोड़ा चिल विल मारेगा। ये मेरा भैया था, चिल विल किया बहुत दिन का बाद मिला, अच्छा लगा। इसका शॉप में थोड़ा देर बैठा चिल विल किया, अभी चलो जाता है जीजा जी का घर, बाय। पिछड़ा का फोन करें। सो गाइस अभी चल रहा है जीजू का घर में, मुनमुन शायद स्कूल से आया कि नहीं, वो तो स्कूल गया होगा शायद, इतना टाइम तो स्कूल छुट्टी हो गया होगा, देखता है पहले पहुंचने दो। सो ये है हम लोग का मेन रोड जो नाहरकुटिया टाउन का साथ कनेक्ट करता है। मेरा ख्याल से हम थोड़ा सा चेक किया था माइक, थोड़ा सा मतलब माइक में थोड़ा सा फटा फटा आवाज निकल रहा है, थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है घर जाके देखना पड़ेगा, उसका पोजीशन कैसा करना पड़ेगा, शायद ज्यादा सामने होगा हो रहा है ना क्या, मेरा ज्यादा मुंह का सामने आ गया शायद माइक। इधर सब खुला कि नहीं, इधर से खुला तो है, इधर से कुछ चॉकलेट वोकलेट देख लेता है क्या मिलता है। तो चलो गणेश थोड़ा सिर्फ चॉकलेट कुछ कुछ ले लिया उसके लिए, नहीं तो चिल्लाएगा वो, ऐसे भी मैं जब से आया उसको फिर मिलने के लिए आया ही नहीं, उस दिन थोड़ा सा मिला इतना सुबह सुबह, फिर मैं निकल ही गया पापा का साथ, वो चिल्ला रहा है मामा इतना दिन हो गया आया नहीं आया नहीं। सो कुछ तो चॉकलेट वॉकलेट दे के उसको तो मना नहीं पड़ेगा। और ये है मेरा प्यारा सा गांव, मेरा गांव का एरिया देख सकते हो कितना ग्रीनी है, यूपी दिल्ली ये सबसे कितना मौसम इधर में सही है, आप लोग इसका नजारा देख के आप लोग बता सकते हो। मैं खुद को अपने आप को खुद को मैं खुद नसीब समझता हूँ, मैं जो इस जगह पे जन्म लिया। आस्ते आस्ते तो ये भी दिल्ली मुंबई जैसा होने लग रहा है, क्योंकि पेड़ पौधा इधर में भी बहुत काटा काटी काटने का बहुत पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ के जा रहा है पहले से। और ऐसे बात करते करते हम जीजू का घर भी पहुंच ही गया, शायद तो आया होगा, मुनमुन का बॉडीगार्ड सब बाहर घूम रहे हैं। सब मुनमुन का बॉडीगार्ड है सब। आ आ आ ये चलने पाए सब ओ मुनमुन। हेलो कम हेलो कम হেল্ল' অসম চেনেলটো চোৱা নাই? হেল্ল' অসম বুলি চেনেল এটা আছে চোৱা নাই চিল্ক চকলেটটো ভাল লাগে না, এইটো এইটো কি বেয়া লাগে নেকি? এহে মেৰা ভাগিন ইচক বহুত দিন কা বাদ মিল ৰাই मेरा एक ही भागिन है यही है। किस है ऐसा मेरा कोई फेवरेट फूड ही नहीं है। ठीक है मैं लिखने इधर आपको और एक चीज दिखाता है, रुकिए एक मिनट पहले लाइट जला लेता है ना। हाँ इतना पुराना चीज
और आसाम का जो जो आदमी देख रहा है उसको मालूम होगा ये प्रोडक्शन किस किस को याद है और ये कैसेट किसका किसका घर में अभी भी है, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बोलिएगा। और क्या क्या है, हाँ ये देखिए, तेरे नाम का कैसेट, बहुत सुना पहले, बहुत सुना ये सब गाना इस कैसेट ये सब से, कसम से, लेकिन बहुत सुना पहले ना ये सब कैसेट में। एक गाना पसंद होता है खाली सुन के, एक गाना अच्छा लगता है उसके लिए पूरा कैसेट खरीदना पड़ता था पहले, पहले का ज़माना ही कुछ अलग था। इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी तो पीते रहना चाहिए। और इधर मैं दीदी देखो इतना सुंदर सा एक केक बना के रखा है किसी के लिए, किसी का बर्थडे का केक। गर्म दिन में जितना सा हो पानी पीते रहो, जितना पानी पिएगा इतना सेहत के लिए अच्छा है। रिहाइड्रेट होने नहीं देना चाहिए गर्मी दिन में ना, कम से कम 6 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में, गर्म दिन में। मैं रखी था एक मैं मुनमुनक थी पे डायरेक्ट मैं जामगे खाली घर आको ये नए ना मैं जो केक दिखाया था दीदी उसको देने के लिए गया है। और ट्यूशन कितना बजे जाएगा? 4:10 मेरा ड्यूटी पड़ा है मुनमुन को ट्यूशन छोड़ के जाने का। देखो भाई गर्मी का हालत, इतना पसीना पसीना। सो मैं मुनमुन को ट्यूशन में छोड़ के उसका बाद घर जाके एक बार मैं वीडियो एंड करेगा। भाई इतनी तगड़ी गर्मी ना, ये टी शर्ट पहनने का साथ साथ पसीना निकालने के लिए शुरू हो जाता है। चलो हेलमेट ले लेता है, अभी मुनमुन को थोड़ा ट्यूशन छोड़ के उसका बाद घर चलता है। ट्यूशन छोड़ के उसको तो लाना तो नहीं पड़ेगा, उसका पापा जाके ला लेगा जीजा जी। चलो ट्यूशन सेंटर ऊपर से मुख देखावा दे, मतलब मुझे ट्यूशन वो कहाँ लेता है वो सेंटर मालूम नहीं, इसको बोला कि पहुंचने से बोल लेना यार। अच्छा रुको 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 गई से एक मिनट, बाय बाय आको लोग पम दे कहन के हिम को हर वक्त मुझे ना ये जगह, जब मैं नाहरकुटिया साइड से मेरे अपना घर का तरफ आता हूँ, मुझे जब मैं ये जगह पहुँचता हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये जो नज़ारा है, ये जो खेत का इतना बड़ा खेत है देखो, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये इस पार से उस पार देखो जहाँ तक नज़र जा रहा है सब खेत खेत, सब धान का खेत है। आज का मेरा ये था मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग, आप लोग को कैसा लगा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग किया, तो इस वजह से तो मुझे, मैं तो बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब सोच रहा हूँ कि आगे मोटो ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करूँगा। कैसा है क्या नहीं है आप लोग का ऊपर में सब है, आप लोग अगर रेस्पॉन्स अच्छे से देगा तो 100% मैं मोटो ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते रहेगा, अगर देखता है क्या होता है आस्ते आस्ते, आज तो शुरुआत किया हूं मेरा ये बसंती से। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं सभी को कि आदमी हर कोई सोचता है कि अच्छा बाइक नहीं है, ये नहीं है, कोई नहीं है, जो चीज है उससे स्टार्ट करो, बड़ा बड़ा मोटो ब्लॉगर भी यही कहता है, मतलब मैं जिनका वीडियो देखता हूँ जयेश पाजी जतप्रभ जोत सभी यही बोलता है कि जो है वहीं से स्टार्ट करो। सो मुझे आने का टाइम से तो मैं गलत दूसरा रास्ता से आया था, अभी जाने का टाइम में मैं ये रूट ले रहा हूँ, मतलब हम लोग का गांव इलाका है ना, सो कहीं से भी घुस जाओ घर तो निकल नहीं है। ये भाई साहब कुछ फ्लिपकार्ट का डिलीवर बॉय लग रहा है, ये लोग को भी सैल्यूट है, इतना गर्मी में इतना ये सब सेवा कर रहा है ना, घर तक पहुंचा के दे रहा है जो सामान सब।
और सब लोग को मैं यही रिकमेंड करूंगा, जिसका भी घर में सब डिलीवर बॉय या जो भी हो कुछ सामान देने आए, उसको एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर, मतलब कुछ भी नहीं दे सकने से जस्ट एटलीस्ट एक गिलास पानी जरूर पूछिए। इंसानियत का फर्ज है, और वो लोग इतना गर्मी में इतना धूप में ऐसा मेहनत कर रहा है, तो एक गिलास पानी पूछना तो बनता है वो लोग को। सो गाइस देखिए, अभी मैं ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ रिजर्व फॉरेस्ट इलाका में घुस गया, लेकिन नहीं, ये सब हम लोग का गांव है। बहुत लोग बोलता है आसाम जंगल है, जंगल है, जंगल है, बात जंगल नहीं होने से क्या होता है वो तो सबको पता चल रहा है। शुक्र मनाओ, ये सब के लिए हम लोग को अभी बहुत खुश है, बहुत शांति से रह सक रहा है। तो अभी मैं अपना गांव का रास्ता फिर से पहुंच गया। इतना बढ़िया लगता है ना ये भी जगह मुझे, उस जगह में मुझे कैंपिंग करके रहने का एक दिन का मन है, एक दिन मतलब कैंपिंग करने का मन है। सब लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को उस जगह में कैंपिंग का कुछ कंटेंट चाहिए, तो हम 100% आप लोग को दिखाने के लिए रेडी है। लो भाई, लो, होम स्वीट होम, ऐसा प्यारा प्यारा बकरी का बच्चा देके रखा है, कल ही दिया है। देखो गांव का स्टाइल यही है, बकरी भैंस ये सब कई जिंदगी। और इधर लीली देखो अंदर घुस के क्या कर रहा है तू, हाँ जा और क्या हुँ? क्या हुआ, चल अंदर। सो गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूं और लीली देखो क्या कर रहा है। सो आज का वीडियो यही तक ही था। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। आज का मेरा ये वीडियो मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग था और मतलब एक्सपीरियंस अच्छा लगा। लेकिन साउंड का क्वालिटी कैसा है अगर खराब आ रहा है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट कर रहा हूँ ना कि माइक कहाँ लगाना है क्या लगाना है सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो जिन जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहा है, सो सभी को बोल रहा हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देखा ही होगा मैं टेंट वन सब रेडी कर लिया, क्योंकि आने वाला दिनों में बहुत ही बढ़िया धमाकेदार कंटेंट आने वाला है। मतलब आप लोग वीडियो देखोगे और बोलोगे क्या ही कर दिया। जो ये वीडियो फेसबुक में देख रहा है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलिए। सो आज के लिए यही इतना ही बस, बाय बाय, जय आए, बाय 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 बाय।